हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आपकी मेरे साथ बातचीत होगी पानी पीने पे, कि हम कैसे पानी पिएं, कितना पानी पिएं, कब पानी पिएं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे फैट लेवल बॉडी में जो रहते हैं उन पे क्या असर होगा, हमारी मांसपेशी पे क्या असर होगा, हमारे बॉडी में ग्रोथ होगा या नहीं होगा। इस मैटर पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन मेरे से किया कि मैं फैट घटाने के लिए क्या करूं, फैट बढ़ाने के लिए क्या करूं। तो मेनली आपके फूड के साथ पानी का कम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं कि मुझे कितना पानी पीना चाहिए। तो एक काम करें आप कि पॉइंट नंबर वन कि आप अपने बॉडी का वेट करवाएं और उस वेट को मान के चलें कि आपके बॉडी का वेट 60 kg है, तो 60 kg को 10 से डिवाइड करें और 6 जो रिजल्ट आता है तो आपको 6 लीटर पानी मैक्सिमम पीना है, वो भी जब आप कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो और कम से कम पानी पीना है जब जितना फूड खाते हैं, मान के चलें अगर आप 500 ग्राम फूड ऑल ओवर पूरे डे में खाते हैं तो उसको आप 10 से गुना कर दें और उतना पानी आपको पीना है। 500 ग्राम अगर आप फूड खा रहे हैं तो 10 से गुना करने के बाद 5 kg पानी आता है, तो कम से कम उतना पानी पीना है। दूसरा बात ये कि कौन सा पानी पीना चाहिए, तो कोशिश ये करें कि कम से कम उस पानी का TDS वैल्यू 150 होना चाहिए। 150 TDS से नीचे का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे पानी में TDS का लेवल डाउन होता है तो उसमें अम्लता बढ़ती है, और पानी में जब अम्लता बढ़ेगी तो हमारे बॉडी में बैड इफेक्ट ही होगा। और खास करके वैसे लोग जो डायबिटीज से प्रेरित हैं उनको 150 TDS से कम का पानी नहीं पीना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि मुझे गर्म पानी पीना चाहिए या नहीं। कई लोग मुझसे ये पूछते थे कि मैं गर्म पानी पीऊं और उसके साथ नींबू लूं या नहीं लूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अपने बॉडी के अकॉर्डिंग वेट होता है सबका, फीमेल का अलग होता है, मेल्स का अलग होता है, तो वो देख लें। जैसे कि 5 feet हाइट में अगर किसी मेल का वेट 48 kg है और किसी फीमेल का लगभग 42 kg है तो ये सामान्य हुआ। उसके बाद अगर 5'11" में 78 kg मेल का वेट है तो उसके अकॉर्डिंग फीमेल का वेट 70 kg होना चाहिए। तो जब बॉडी के हाइट के अनुसार अगर वेट हमारा समान है तो हमें गर्म पानी और नींबू नहीं पीना चाहिए। गर्म पानी और नींबू सिर्फ उन लोगों को पीना चाहिए जिन लोगों के पास हैवी कोलेस्ट्रॉल है या फिर हैवी फैट है और वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं या फिर वर्कआउट करने नहीं जा रहे हैं। तो सुबह सुबह सिर्फ वही लोग गर्म पानी के साथ नींबू पिए जो लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। तीसरी बात ये कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए या फिर फ्रिज का पानी पीना चाहिए या फिर नॉर्मल पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों एक बात याद रखें कि हमें किसी भी शर्त पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हम नॉर्मली पीते हैं फ्रिज का पानी तो वो 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी जब हमारे बॉडी में जाता है, और खास करके मेरे कुछ दोस्त ये करते हैं कि उसमें भी बर्फ डाल लेते हैं, तो ये होता है ना कि ये सोने पे सुहागा हो जाता है। एक तो पहले से वो 5 से 6 डिग्री है, उसके बाद अगर हम उसमें बर्फ मिला लिए तो वो अराउंड 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाएगा, और वो हमारे बॉडी में जाएगा तो इसमें क्या घटना होगी ये थोड़ी सी जान लें। जब हमारे बॉडी में उतना ठंडा पानी जाएगा तो दो ही चीज करेगा, या तो वो हमारे बॉडी को ठंडा करेगा या फिर हमारा बॉडी पानी को गर्म करेगा, क्योंकि जब तक गर्म होगा नहीं पानी पचेगा नहीं। और एक आध बार आप ये कहानी सुने होंगे कि कहीं से कोई दौड़ के आया या फिर कोई गेम खेल के आया, उसका बॉडी गर्म था, वो तुरंत पानी पी लिया, पानी ठंडा था, उसके बाद उसका शरीर ठंडा पड़ गया और वो अनफॉर्चुनेटली मर गया। ऐसी हादसे होते हैं, तो ऐसी हादसे क्यों होती हैं आप जान लें। जब हमारे बॉडी में ठंडा पानी जाता है तो हमारा बॉडी पहला काम ये करता है कि उस ठंडे पानी को गर्म करने की कोशिश करता है, और इसके लिए हमारे बॉडी में जितना खून है, ब्लड है, उसकी सारी एनर्जी जो है हमारे बॉडी में उस ठंडे पानी को गर्म करने में लग जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे आंत का
फिलहाल वहां से जो बड़ी और सटी हुई होती है उसके सारे खून की एनर्जी जो है वो हमारे पेट में मौजूद पानी को गर्म करने में लग जाती है, जिसके कारण बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। और सिकुड़ने के बाद होता है कि बड़ी आंत से जो मल निकलता है हमारा वो निकलना बंद हो जाता है और आफ्टर ऑल इसके बाद कब्ज हो जाता है। तो लोग कहते हैं हमने पानी पिया, हमने अच्छा डाइट लिया, फिर भी कब्ज हो गया, तो कब्ज के बाद सैकड़ों बीमारियां आएंगी ऑब्वियसली। तो ठंडे पानी से बचें, गर्म पानी पिए या फिर नॉर्मल पानी पिए, वैसा पानी पिए जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना हो। और अगर हम घरे का पानी पीते हैं गर्मी के दिन में जो घरा में रखा हो वो लगभग 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तो नॉर्मल आप पानी पी सकते हैं। और कभी कभी आप ठंडा पी लें कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसकी आदत आप ना डालें। और चौथी बात ये कि मान के चलें कि अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो इसमें मतलब पेट ठंडा, अगर हमारा बॉडी का खून उसको गर्म नहीं कर पाता है और पेट ठंडा होता है, पेट ठंडा होगा फिर दिल ठंडा होगा, हार्ट ठंडा होगा, हार्ट ठंडा हो जाने के बाद मेरा ब्रेन ठंडा होगा। और एक बार जब ये ठंडा हो गया तो आप लोग जान सकते हैं कि आपके साथ क्या होता है। अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो ये सब सारी चीज़ों से बचेंगे, या फिर साधारण पानी पीते हैं तो भी इन सारे चीज़ों से बचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब आप कोई भी मीठा चीज खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी ना पिए, क्योंकि ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में साइनाइड पैदा करता है, वो भी ऐसा साइनाइड जो जहर है। तो इन चीजों से भी बचें। और सबसे महत्वपूर्ण बात पानी के फैक्टर में ये कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, कम से कम 1.5 घंटे का 2 घंटे का समय लें उसके बाद पानी पिए। और पानी जब भी पिए तो एकाएक ना पिए, ऐसा नहीं कि पूरा उड़ेल दिए और उसको दे रहे हैं और गटागट पी रहे हैं, तो वो आपके बॉडी में अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों पर मेरे मित्र ख्याल रखें। और आपके पानी का जो भी प्रॉब्लम था मैंने अधिकतर सुझाव दे के सॉल्व कर दिया। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को और भी लोग को शेयर करें और हो सके तो जोड़ने की कोशिश करें, मैं आगे ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा। और आज के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।